तो इसीलिए मैं इसका बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता हूं, इंडिया जनबंधन की रैली है, किसी एक व्यक्ति केंद्रित रैली नहीं है, और इसमें सारे पार्टियां शामिल हैं, सारे नेता शामिल हैं, और व्यक्ति को बचाने के लिए नहीं है, संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए, निष्पक्ष चुनाव को बचाने के लिए। हम अपने आप को मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं, पर जिस तरीके से डेमोक्रेसी की हत्या हो रही है रोज, उसके खिलाफ है रैली। मैं इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि आप लोग प्रचार करते रहते हैं कि ये एक पार्टी की रैली है, एक व्यक्ति की रैली है। ये रैली अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ है, इसलिए मैंने कहा ना, चुने हुए मुख्यमंत्री, मैंने आपको 4 या 5 मुद्दे गिनाए हैं, और एक मुद्दा जो जरूर है, हमें हेमंत सोरेन जी को भूलना नहीं चाहिए। हेमंत सोरेन पहले मुख्यमंत्री थे जिनकी गिरफ्तारी हुई, और उस कब हुई उनकी गिरफ्तारी, जब भारत जोड़ो न्याय यात्रा झारखंड में प्रवेश होने वाली थी। तो हेमंत सोरेन है, केजरीवाल जी हैं, कई मंत्री हैं अलग अलग राज्यों में, दिल्ली में भी कई मंत्री हैं, झारखंड में मंत्री हैं, तमिलनाडु में मंत्री हैं, और कई नेताओं को निशाना बनाया गया है। तो एक व्यक्ति के नजरिए से कल की रैली को मत देखेगा, लोकतंत्र के नजरिए से देखेगा, संविधान के नजरिए से देखेगा। जयराम जी, जैसे और क्या कल्पना सोरेन भी बुलाए हैं, उनको भी बुलाए हैं आप लोग? सॉरी, क्या कल्पना सोरेन, हेमंत सोरेन की पत्नी, क्या वो भी होंगी रैली में? चंपाई सोरेन, चंपाई सोरेन मुख्यमंत्री झारखंड मौजूद होंगे, और सुनीता केजरीवाल, राहुल जी खुद गए थे, उन्होंने कल्पना सोरेन से मुलाकात की है, उनके घर गए थे रांची में, जब भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समय हम लोग रांची में थे, राहुल जी खुद गए थे और कल्पना सोरेन से वो मिले थे। कल जहां तक मेरी जानकारी है, झारखंड के मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन जी कल होंगे जेएमएम की ओर से, और भी नेता होंगे, पर जो मेरे पास नाम है वो चंपाई सोरेन जी का नाम है।